हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे ऐप SETI मस्ती और मेरे यूट्यूब चैनल SETI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिहार सरकार द्वारा जो आयोजित परीक्षा हो रही है उसका एक सिलेबस है, कौन देता अंडे कौन देता बच्चे। तो जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जीव जो है बच्चे देते हैं और उनकी पहचान क्या। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं कि वैसे जीव जिनके बाहर कान दिखाई देते हैं, जिनके बाहर कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। जिनके कान जो है क्या हो, बाहर दिखे, बच्चे देने वाले जीव की पहचान जिनके कान बाहर दिखे और उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र अलग अलग हो, यानी उनके मूत्राशय अलग होता है और उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वैसे जीव जो है बच्चे देते हैं, अब पहचान हो गया। अब अंडे देने वाले जीव की क्या पहचान है, तो वैसे जीव जिनके कान बाहर न दिखाए, तो वैसे जीव जिनके कान बाहर न दिखे, बाहर दिखाई नहीं देते हो और उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र एक ही हो, उसमें अलग अलग नहीं होता है। तो ये तो हो गया कौन देता अंडे कौन देता बच्चे का आंसर, कौन देता अंडे कौन देता बच्चे। तो वैसे जीव जिनके कान बाहर दिखाई दे हो, तो वैसे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, वैसे जीव जिनके कान बाहर ना दिखाई दे वो अंडे देते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र अलग अलग हो, बच्चे देते हैं, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र एक ही हो, अंडे देते हैं। ये क्लियर हो गया। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं और जो बच्चे देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी ग्रामर में भी ये काम आ सकता है कि जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं। अंड मतलब अंडा, अज मतलब जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लिया हो अंडज, जो बच्चों को देता हो उसको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जीव जंतु है गौरैया है, गौरैया क्या करती है, अंडा देती है। मुर्गी है और बतख है, सांप है, छिपकली है। गौरैया का आपने कभी कान देखा है, नहीं देखा होगा, इसीलिए तो ये अंडे देती है। मुर्गी है, बतख है, सांप है, छिपकली है, कछुआ है। कछुआ के बारे में आप जानेंगे, ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सरीसृप मतलब रेंगने वाला, ये रेंग रेंग कर चलता है और इसका हृदय जो होता है त्रिकक्षीय होता है। ये सब बात पूछा जा सकता है कि कछुआ का हृदय क्या होता है, तो त्रिकक्षीय होता है। शुतुरमुर्ग ये भी आई है दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकता है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी, सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग, याद रखेंगे सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी और सबसे बड़ा जीवित पक्षी। तो जब सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो इसका अंडा भी बड़ा ही होगा, है कि नहीं, स्वाभाविक है। तो याद रखेंगे यहां से। एक और है हमिंग बर्ड, इसको गुंजन पक्षी भी कहते हैं। हमिंग बर्ड का दूसरा नाम गुंजन पक्षी भी है और ये सबसे छोटा अंडा देने वाला जीव, सबसे छोटा अंडा देने वाला जीव कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आई है। और ये सबसे छोटा पक्षी भी है, कौन, हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा अंडा देने वाला। ठीक है,
और मछली भी अंडे देती है, लेकिन इसमें अपवाद है, व्हेल और डॉल्फिन जो है बच्चे को जन्म देती है, वो अंडे नहीं देती है। तो यहाँ भी अपवाद वाला भी चीज बना सकता है प्रश्न बीपीएससी। तो इन सारे चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और छिपकली जो है एक मेबुया बिल बनाने वाली छिपकली का नाम है एस्किंक, 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 ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तो आप देख सकते हैं। मगरमच्छ ये सबसे बड़ा सरीसृप है इस धरती पर, जो सरीसृप रेंगने वाले जंतु जो है उसमें सबसे बड़ा जो है मगरमच्छ है। कबूतर ये भी अंडे देती है, और बुलबुल ये भी, और कौवा, कौवा को राजस्थानी में कागला कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि कौवे को राजस्थान में क्या बोला जाता है, तो कागला बोला जाता है, एक जनरल नॉलेज भी हो गया। कोयल ये भी अंडे देने वाले जीव है, लेकिन इनकी खासियत ये है कि अपने जो है अंडे को नहीं सेती है, मतलब अपने बच्चे को नहीं पालती है, ये चतुराई से अपने अंडे ले जाकर कौवे के घोंसले में रख देते हैं, और कौवा जो है उसको इसके बच्चे को सेता है। टिटिहरी, टिटिहरी एक ऐसी पक्षी है जो ना पेड़ पर बैठता है और ना ही घोंसला बनाता है, ये पेड़ पर नहीं बैठता है टिटिहरी। पूछ देगा पेड़ पर नहीं बैठने वाले पक्षी या अपना पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने वाले पक्षी कौन है, तो टिटिहरी है। और इसका खासियत है कि ये जमीन पर अंडे देती है और अपने अंडे जो है ले जाकर झाड़ियों में रख देते हैं। एमू, एमू पक्षी के अंडे जो है हरे होते हैं। पूछा जा सकता है कि एमू पक्षी के अंडे किस रंग के होते हैं, तो एमू पक्षी के अंडे हरे रंग के होते हैं। और एक कीवी एंड एमू पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, ये न उड़ने वाले पक्षी है कीवी एंड एमू। कीवियों का देश किसे कहा जाता है, पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में पूछा गया है कि कीवियों का देश न्यूजीलैंड। आप जैसे जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहाँ खेलने आती है तो उसको बोला जाता है कीवी। तो कीवियों का देश जो है न्यूजीलैंड है, और ये कीवी जो पक्षी है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। ये हर एक कंपटीशन में बार बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए VVI हो सकता है, और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है कि किस देश का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, तो हमारा आंसर होगा न्यूजीलैंड। कौन देता अंडे, कौन देता बच्चे, तो अंडे देने वाले जीवों के बारे में हमने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन देता बच्चे। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, आप सब लोग जानते ही हैं कि ये दूध देने वाले और बच्चे देने वाले जीव हैं, गाय, भैंस, बकरी। और बकरी की ये खासियत है दोस्तों कि गरीबों की गाय, ये हर एक कंपटीशन में पूछा गया है, गरीबों की गाय किसे कहते हैं, तो गरीबों की गाय बकरी, याद रखना, सब पूछा जा सकता है, VVI है। गरीबों की गाय कौन है, बकरी, ठीक है। और बकरी का दूध जो है डेंगू में बहुत काम आता है, डेंगू जो बीमारी होती है उसमें बकरी के दूध बहुत लाभदायक होता है। और बकरी के दूध का सबसे अधिक उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ भेड़ है, आप तो जानते हैं भेड़ का मतलब जो ऊन, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, और जो स्वेटर वेटर सब बनता है तो भेड़ के ऊन से ही होता है, सब आप सभी जानते हैं। ऊंटनी ये भी दूध देने वाली है, और ऊंटनी को, चाहे ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट और ऊंटनी को कहा जाता है, क्योंकि उनके पैर जो है गद्दा, ऊंट के पैर क्या होते हैं, गुद्देदार होते हैं, जो वहाँ पे रेगिस्तान में क्या होता है, बालू ही बालू होता है, और उस बालू में उसके पैर नहीं धंसते और उसमें वो आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट को क्या कहा गया है, रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। घोड़ी है,
याक है, याक का दूध जो है गुलाबी रंग का होता है। याक का दूध किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। बारहसिंगा है, लेकिन बारहसिंगा की खासियत है, इसके दूध की खासियत है कि गाय के जैसा ही इसका भी दूध होता है। बारहसिंगा का दूध जो होता है गाय के दूध के जैसा ही होता है। हिरण आप सब जानते ही है, गधी है, इसका दूध जो है घोड़ी के दूध के जैसा होता है। गधी का दूध घोड़ी के दूध के जैसा होता है। सुअर है, सुअर के बच्चे को छावना कहते हैं। हम बच्चे वाले लाएंगे पाठ, किसके बच्चे को क्या कहते हैं। तो ये जो है ये भी दूध देने वाली जीव है। और यहाँ पे जिराफ, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। गूंगा जानवर, न बोलने वाला जानवर, वैसा जानवर जो न बोलता हो, वैसा जानवर जो न बोलता हो वो कौन जानवर है? तो जिराफ। जिराफ गूंगा जानवर है, पूछा जा सकता है और हर एक कंपटीशन में पूछा भी गया है। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता भी देंगे कि जिराफ न बोलने वाला जानवर जो न बोलता हो तो उसी को तो गूंगा कहते हैं, यानी गूंगा जानवर। और इसकी एक और खासियत है, जो स्थली पशुओं में सबसे ऊंचा होता है, जो जमीन पर रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले जीव है स्थलीय, मतलब जो जमीन पर रहता हो उसमें ये सबसे ऊंचा होता है। और ये शाकाहारी पशु है जिराफ।